हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें, अगर हमसे संपर्क करते हो फोन करते हो तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग है। जिनका फुल फॉर्म ही IAS है, इंडिविजुअल आफ्टर सरकार, और जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं हम मजबूरी में कर रहे हैं और कुछ चमचागिरी में कर रहे हैं, कुछ खुश करना चाहते हैं, आखिरी वक्त में भी खुश करना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग एक ही छत के नीचे बैठ करके कन्नौज में हराने की साजिश कर रहे थे, उसी तरह के लोग और बैठे हुए हैं जो लगातार साजिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ और फोन रिकॉर्ड करा रहे हैं। इस सरकार को कानून कौन मानता है? इस सरकार में कौन कानून को मान रहा है? वो बेचारा व्यापारी घूमने आया था, क्या आप होटल में के कमरे में जाकर के उसको ऐसी लात मारोगे कि वही मर जाएगा? क्या किसी के कमरे में जाकर के आप जांच करो? क्या सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती थी पुलिस? क्या एक पानी का जो पाइप है 2 फीट 2.5 फीट ऊंचा उससे कोई अपनी आत्महत्या कर लेगा? वो आगरा का वाल्मीकि समाज का बेटा जो चोरी पर जिसपे आरोप लगे, वो पुलिस ने खुद चोरी की है, पुलिस खुद चोरी करती थी वहां से, और उस वाल्मीकि समाज की हत्या हुई कि नहीं हत्या हुई? तो ये सरकार ऐसी जो ठोकर राज हैं, जो ठोकर राज बैठे हुए हैं अनुपयोगी, ये उनके सारे पर हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री अपनी ही दुकानों पे बुलडोजर लगा के मुआवजा लेकर के नया कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं? कभी आपने छापा कि कितना मुआवजा उठाया मुख्यमंत्री ने? हमें उम्मीद है कि छापा जाएगा, और वो भी छापा जाएगा कि जिस पर तालाब को लेकर के और वेटलैंड को लेकर के यूनिवर्सिटी तैयार हुई है, सरकार बदलेगी, अधिकारी भी बदलेंगे। जो आज इधर बुलडोजर चला रहे हैं, अगली सरकार बनेगा उधर बुलडोजर चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को जनता हराना चाहती है, जनता को धोखा दिया है, और जनता को जो धोखा मिला है, जो वादे जुमले निकले, हर बात इनकी झूठी है। ये जो संकल्प पत्र है ये अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने पलट करके नहीं देखा। इसके पहले पन्ने पर है कि आपके किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज किसान जानना चाहता है कि आय दोगुनी कहाँ है, जो सरकार खाद नहीं दे पा रही और खाद में से 5 किलो की चोरी कर रही, इसका क्या जवाब है सरकार के पास? सरकार के पास क्या जवाब है कि गृह राज्य मंत्री टैनी और उनके बेटे पर आरोप है साजिश करने का? और समझिए हत्या की साजिश का मतलब क्या होता है, उन्हें जेल जाना चाहिए। क्या लखनऊ से बुलडोजर चला, जो हर बात पे लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर बुलडोजर, कि बुलडोजर लखीमपुर में क्यों नहीं चल रहा है? और हम समाजवादी ने कहा कि बर्खास्त कर देंगे, तो नैरेटिव बदलने के लिए, खबर बदलने के लिए इस तरह के छापे मारने का काम किया है।